सबसे पहले मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मेरा बहुत ढेर सारा नमस्कार, प्यार और दुआओं की उम्मीद है मुझे आप सबके। कनक जी, आज हम काफी अलग अंदाज में आपको देख, अलग लुक में देख रहे हैं, क्या बताना चाहिए किस फिल्म की शूटिंग पे हैं? बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं आप। मैं, हमारी फिल्म चल रही है नकली नवाब, जिसकी शूट पे हूँ मैं, और ऐसी इसकी शूटिंग लखनऊ में हुई है और आज मड में गाने का शूट है। और बेहद ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बेहद ही यूनिक है, और सबसे बड़ी बात है जो गाने हैं वो बिल्कुल भी डबल मीनिंग के नहीं हैं। गानों में इतना ज़्यादा क्रिएशन है, इतना मोटिवेशन है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा लीक से हट के अच्छी फिल्म कर रही हूँ, अच्छे गाने कर रही हूँ। किरदार की बात की जाए तो कितना अलग है? किरदार मेरा और मेरा हर फिल्म में थोड़ा अलग अलग होता है, इसमें भी अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग होता है, इसमें भी बहुत अलग है मेरा किरदार, और मैं काफ़ी अच्छी दिखने वाली हूँ आप लोगों को। फिलहाल मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि मैं अपना लुक आउट नहीं कर सकती कहीं पे भी बाहर की मैं क्या कर रही हूँ कैसा है, तो इस वजह से तो मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, बट बहुत अच्छी दिखूंगी मैं, इंडियन और वेस्टर्न दोनों का मिक्सअप है इसमें। आपके आँख का लुक भी काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ा खूबसूरत दिखना चाहिए ना, लुक तो चेंज करना बनता है ना फिल्मों के लिए। ये जो खूबसूरत आंखें हैं ये किसको घायल करने वाली हैं? इस फिल्म में हीरो है निशार खान, तो उनको ही घायल करेंगे, बाकी और भी बहुत लोग हैं घायल होने के लिए। अब तक कितने लोग घायल हुए हैं? सब लोग, बहुत से लोग घायल हैं। ऐसा कुछ आइडिया मुझे भी नहीं है, हो सकता है कोई देख के घायल हो जाता, मुझे पता नहीं चलता, ऐसा भी तो हो सकता है। नकली नवाब के बारे में बताइए, क्या? देखिए, मैं फिल्म का कुछ भी आउट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे स्ट्रिक्टली रत्नाकर सर ने मना किया है, पूरी टीम ने मना किया है कि कनक जी आप कहीं कुछ नहीं, हमारे डायरेक्टर ने, हीरो ने, मतलब हर किसी ने मना किया है, कुछ भी आउट नहीं कर सकती। इनफैक्ट नकली नवाब का अभी तक फर्स्ट लुक भी आउट नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट वे पे है, तो हम चाहते हैं कि इसको मार्केट में ऐसे तरीके से लेके आए कि लोगों को पता चले कि यस, वी डू समथिंग डिफरेंट एंड वी डू समथिंग यूनिक एंड यू नो इन दिस फिल्म आई हैव लॉट्स ऑफ सेंस कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें मैंने यूज़ किया है, और रत्नाकर सर ने अपना पूरा यूनिक जो उनका माइंड सेटअप है उस चीज़ को यूज़ किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। दर्शकों के लिए कितना नया होगा ये आपका स्टूडियो वाले? फॉर माई मेरे जो दर्शक हैं, फॉर माई यू नो वेल विशर्स, उनके लिए बड़ा ही डिफरेंट है, उनको देख के अच्छा लगेगा कि भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म आई है जो डबल मीनिंग से बिल्कुल विपरीत है, उसके परे है, और दर्शक लोगों को इस फिल्म को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, इन्जॉय करेंगे, क्योंकि फिल्म लीक से हटके यूनिक कॉन्सेप्ट पे बनाई गई, जैसा कि मैं ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो कहानी है वो बहुत ही अलग संवाद पे बनाई गई है, हर शब्द का अर्थ निकाल के बताया गया है कि ये कैसे क्या है, इसमें डबल मीनिंग का कहीं कोई सवाल नहीं है, और फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, और अवधेश जी का तड़का है, सबका बहुत बड़ा मतलब मसाला है फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे कि सबको पता है कि रत्नाकर जी यू नो भोजपुरी में अश्लीलता से मुक्त फिल्में बना रहे हैं, अश्लीलता से परे गाने अपने चैनल से डालते हैं, तो उसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी बनाया गया, हमारे डायरेक्टर को उन्होंने सख्त हिदायत दिया था कि इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें डबल मीनिंग कोई शब्द आए और हम लोग के नाम पर इफेक्ट पड़े, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई है और हम एज एन आर्टिस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि शायद हम हमारी शुरुआत से कहीं कुछ अच्छा हो जाए, जैसा उन्होंने संघर्ष से शुरुआत किया एज अ डायरेक्टर, सॉरी एज अ प्रोड्यूसर, तो उसी तरीके से मैं चाहूँगी कि मैं एज एन आर्टिस्ट शुरुआत कर रही हूँ अच्छे तरीके से, और काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट सक्सेस हो, लोगों को ये फिल्म पसंद आए जिसमें अश्लीलता नाम का कुछ नहीं है, कोई मिर्चा मसाला नहीं है, एकदम डिफरेंट उस पर बनाई गई है कि आप देखिए आपको पसंद आए, दर्शक लोग खुश हों, दर्शक लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचे, उससे बड़ा क्या हो सकता है हमारे लिए। शुभम जी बड़े अच्छे हैं और बड़ा अच्छा करते हैं, यू नो मिक्सअप है दोनों, गुस्सा भी है, तड़का भी है उनका तड़का, इन द सेंस अरे कब से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यू नो हम लोग को काफ़ी अच्छे से प्यार से बताते हैं, कोई नखरा एटीट्यूड नहीं है, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे डायरेक्टर में, हमारे प्रोड्यूसर सर बहुत सपोर्टिव हैं, पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, और सारे यूनिट को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना अच्छा यूनिट, एक इतनी अच्छी टीम बनी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब तक का जो मेरा फिल्मी सफ़र है, फिल्मी करियर है, वो अच्छा रहा। शुरुआत मैंने छोटी छोटी चीज़ों से की, बट आज मेरा डिफरेंट रोल है इंडस्ट्री में, तो वो बहुत मायने रखता है कि शायद कहीं ना कहीं जो मेरा यूनिक करने का जुनून था या अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करने का जुनून था कि मैं अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, शायद कहीं ना कहीं रंग ला रही है और आगे भी रंग लाएगी, क्योंकि ये तो शुरुआत है और मंजिल तो अभी बाकी है। आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो आने वाली फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं। नकली नवाब है जिसका मैं अभी शूट कर रही हूँ, पांच मेहरिया है, जुग जुग जिया हो ललनवा है, अभी मैंने नागमणि में स्पेशल अपेयरेंस किया कल्लू जी के साथ, वो है। उसके अलावा और दो तीन फिल्में हैं, जिंदगी की जंग है और एक फिल्म है, मतलब ऐसा नाम मैं भूल जाती हूँ अपनी फिल्मों के, मतलब कंटिन्यू 6-7 फिल्में लाइन में हैं जो रिलीज पे हैं इस साल। फिल्मों के अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं, कंपनी भी है, कंपनी के माध्यम से भी काफी कुछ चीजें समाज के लिए कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और आपने मुंबई में ऑफिस भी खोला, उसके लिए सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। और मेरा ऑफिस खोलने का रीज़न ये नहीं है कि मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊँ, मेरा ऑफिस खोलने का रीज़न है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो मैं फिल्में प्रोड्यूस करूँगी आगे, मेरी एक कंपनी है हट एंड सोल, जो दुबई की कंपनी है साइकोलॉजी की, जो मैंने एज अ पार्टनर या इंडिया में उसको लॉन्च किया है, उसको आगे बढ़ाना है, इवेंट्स करने हैं, वो सोशल हो, कॉपरेटेड हो, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, यू नो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छे से करना है। एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो भोजपुरी में अच्छा हो, डिफरेंट हो। आई डोंट वॉन्ट कि इसमें मसाला हो, तड़का हो, आइटम हो, आई डोंट थिंक सो कि इसकी नीड है। आप अगर स्टोरी अच्छा बनाएंगे और उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे तो दर्शक ज़रूर आपकी फिल्म देखेंगे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, रत्नाकर जी ने की है और भी बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी उस लाइन में हूँ कि मैं भी शुरुआत करूँ, अच्छी फिल्में बने, अच्छे कॉन्सेप्ट पे बने और लोग जो हमारे दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल तक जाए। जो सिनेमा हॉल की कंडीशन है आजकल वो बहुत बुरी होती जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं उसमें फिल्में लगे, फिल्में मार्केट में आए, लोग देखें और लोगों को पसंद आए। हाँ बिल्कुल, हमारे डायरेक्टर सर आए यहाँ पे और मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं भाग जाऊँ। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।